राजधानी देहरादून में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में भाजपा जुट गई है, जिसके तहत भाजपा प्रदेश कार्यालय में चुनावी प्रबंधन कार्यालय का शुभारंभ होने वाला है। कार्यालय का शुभारंभ होते ही भाजपा द्वारा प्रदेश के चुनाव संचालन की सभी गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। इसी क्रम में भाजपा द्वारा प्रदेश के 11,729 बूथ पर कमेटी का गठन किया गया है, जिसके तहत चुनाव का संचालन किया जाएगा। बता दें कि जिस तरह से 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को जीत मिली, इस तरह से एक बार फिर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की जीत की हैट्रिक लगने की तैयारी में भाजपा जुट गई है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, जहां तक चुनाव प्रबंधन की बात है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रबंधन में पहले से तैयारी रहती है और आप देख रहे होंगे कि चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से प्रत्येक लोकसभा में हमारा कार्यालय खुल चुका है और हमारी चुनाव प्रबंधन समिति बन गई है और आने वाले समय में केंद्र की तरफ से जो निर्देश होगा, जो रैलियां होंगी या जो भी जिस तरीके के निर्देश होंगे उसको करेंगे। अभी हम गांव चलो अभियान हमारा संपन्न हुआ है, हमारे 12,000 बूथ हैं, सभी पे हम गए हैं और गांव-गांव जाके संपर्क किया है। इसी के साथ ही अभी लाभार्थी संपर्क हमारा चल रहा है, प्रत्येक लाभार्थी से मिलने का हमारा भारतीय जनता पार्टी के बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं का क्रम है। ऐसे ही अभी 25 तारीख को मन की बात का कार्यक्रम है, जो आप लगातार देखते हैं। इस तरीके के रूटीन हमारे कार्यक्रम है, लगातार संगठन की गति को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और मैं निश्चित रूप से समझता हूँ कि जो 5 की 5 सीटें हम निश्चित रूप से जीतेंगे।